जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जी हमने इस कैटल के बारे में आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। ये कैटल जो है इसको पास्चुरेट हुए आज तकरीबन कोई 30 डेज़ का दौरानिया जो है हो चुका है। बच्चा देने के ठीक हफ्ता बाद इसकी प्रोडक्शन जो थी वो 30 लीटर्स के पास पहुँच चुकी थी। ये ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन का एनिमल है, सेकेंड लैक्टेशन का। तो 30 लीटर की प्रोडक्शन पे जब ये पहुंची है हफ्ते के बाद, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप करना शुरू की है। एंड विद इन 7 डेज़ इसकी जो प्रोडक्शन थी वो सिर्फ और सिर्फ दिन का 24 घंटे का को 8 से 10 लीटर जो है रह गई थी। और इसकी जो इनटेक है, जो जानवर खाना पीना खाता है जी, वो ये जो आम रूटीन में खा रही थी उसका सिर्फ 20% इसका इनटेक रह गया था। और इसकी आँखें जो हैं वो काफ़ी अंदर को जा चुकी थी, संकन आई जिसको हम कहते हैं। टेम्परेचर इसका नॉर्मल था और इसकी जो वखियाँ हैं दोनों साइड पे ये बिल्कुल खाली थी। और एनिमल जो था तकरीबन जो है ऑफ फीड हो चुका था। हमने इस पर एक सेशन किया था कि इस किस्म के जानवर को जो अपनी खुराक यकदम कम कर देते हैं अमूमी तौर पे पास्चुरेशन के बाद, तो उन जानवरों में कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं पास्चुरेशन के बाद। इन गायों में अमूमी तौर पर जो कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी जो है हमारे पास यहाँ पे एक तो क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया है जिसमें आपको एनिमल साइंस सिम्टम देता है। एक सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया है कि एनिमल के ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। ये तकरीबन जो 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इसका मकदार जो है ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये 5.5 से 8 के बीच में है तो इसको हम सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं कि एनिमल का कैल्शियम तो कम होता है लेकिन इसको एक हर्ड के अंदर 300-400 जानवरों में इसको आपको डायग्नोस करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और 5.5 से अगर काम हो जाए तो इसको हम क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जानवर को सूतक का बुखार हो गया और जानवर जो है वो बैठ गया। अब ये जानवर जो था ये सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया में था। तो अमूमी तौर पर इन जानवरों के अंदर जब भी कभी कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके अंदर आता है कि मैदे का जो चौथा हिस्सा है जिसको हम ट्रू स्टॉमिक या एबोमिज्म कहते हैं, वो बिल्कुल नीचे से सरक के जो है वो राइट या लेफ्ट पे निकल आता है, उसमें गैस भर जाती है। तो हमने बकायदा इस पर सेशन किया था कि इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, इसको हम पिंग साउंड से जो है जो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इस पिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमने इस पर बात की थी कि टिम्पैनिक साउंड को, कि अगर एनिमल को अफारा हो जाए तो टिम्पैनिक साउंड को और जो पिंग साउंड आपको एबोमिज्म में मिलती है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आप सीकल जो आपके डायलेटेशन है उसको और या फिर एंट्राइटस की जो पिंग्स वगैरह बनती हैं उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। खैर, इस एनिमल को हमने जब डायग्नोस किया तो उसके बाद इस एनिमल को हम जो है सर्जरी पर ले गए। ये जो केस था ये लेफ्ट डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म का जो है केस था। उस वक्त एनिमल की प्रोडक्शन जो है सिर्फ 8 किलोलीटर थी और तकरीबन इनटेक इसकी काम हो रही थी और दिन ब दिन ये इसकी जो है वो जो BCS इसका लूज़ हो रहा था। इसकी सर्जरी करने के बाद आज तकरीबन कोई दौरानिया हो चुका है, कोई आज 13-14 दिन का अरसा हो चुका है और आज हम इसके सूचर जो है ओपन करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ मिल्किंग टाइम से पहले आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे। एनिमल जब पार्लर पे जाएगा, इस वक्त इसकी हम दिन में 2 दफ़ा मिल्किंग कर रहे हैं, तो हमारा अंदाज़े के मुताबिक 24 से 25 किलो दूध पर माशाल्लाह ये आ चुकी है। और हमारा अंदाज़ा ये है कि इंशाल्लाह इस लैक्टेशन में, अब इसको हमने जब पहले जब सर्जरी करने हम जा रहे थे तो हमारा ये ख्याल था कि इंशाल्लाह हम इसको 30 लीटर पर रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह, तो ये 25 लीटर पे आ चुकी है। एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल कि ये इंशाल्लाह अज़ीज़ अब दोबारा से जो है ये 30 लीटर को क्रॉस करेगी। ऑपरेशन करने के बाद हमने जो चीज़ें यहाँ पर की हैं इसमें जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं डॉक्टर वकास और डॉक्टर उसामा जो यहाँ पर जो है इनको इसकी मुकम्मल पोस्ट ऑप यहाँ पर करते रहे। तो इसमें एनिमल को फ्लूइड थेरेपी मतलब डेक्सट्रोज हम देते रहे रूटीन के साथ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, साथ ही साथ इस एनिमल को जो है जब हमने सब ऑपरेट किया है उस वक्त इसको स्वीयर डायरिया भी था, तो हम इस एनिमल को मेट्रोनिडाजोल जो है वो IV इन्फ्यूज देते रहे और एंटीबायोटिक्स के अंदर जो है हम इसको हमने सेफलोस्पोरिन पे जो है इसको रखा है। तो पहले 3 दिन ऑपरेशन के बाद इसने जो ग्रीन फॉडर है उसकी इनटेक इसकी बेहतर हुई ग्रीन फॉडर की। हमने इसको 3 दिन बाद जो है जो TMR में जो इसको हम दिया करते थे तो हमने जो कंसनट्रेट का पोर्शन था वो बहुत कम रखा और इसको हम ज़्यादा हम ग्रीन फॉडर पे हमने और साइलेज के मिक्सर पे इसको हमने फीड किया। 4th-5th दिन पे हमने इसको कंप्लीट TMR जो है
उस पर शिफ्ट कर दिया। अब इस वक्त एनिमल का जो ड्राई मैटर इनटेक है वो 17 kg पे जो है वो आ चुका है। हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ इसका DMI जो है हम पर डे 24-25 kg पे इंशाल्लाह लेके जाएंगे। जब ये 24-25 kg DMI पे आ जाएगी इंशाल्लाह, तब हमारी उम्मीद है कि ये 30 लीटर से जो है अपना मिल्क प्लस कर जाएगी। अब इसका हम सूचर जो है वो ओपन करने जा रहे हैं। ये जनाब अली इसके सूचर जो हैं उतार दिए हैं, माशाल्लाह ज़ख़म A1 है, बिल्कुल ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर हेयर डेवलपमेंट हो जाएगी और इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई 7-8 महीने के बाद अंदाज़ा ही नहीं होगा यहाँ पर कि कोई सर्जरी का कोई निशान यहाँ पर है। इंशाल्लाह 7-8 माह के बाद जब मुकम्मल हेयर डेवलप हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पता नहीं लगेगा। तो डॉक्टर साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वकास साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आप लोगों ने पहले भी यहाँ पर एक आपके LDA का ऑपरेशन हुआ, आप भी हुआ, दोनों केस माशाल्लाह सर्वाइव हुए और दोनों एनिमल्स अच्छे प्रोडक्शन पे आ गए, थोड़ा सा बताएंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव में आप लोग जो हैं इनके साथ क्या क्या मामला जो है आप करते रहे, कौन कौन सी ट्रीटमेंट आप इनको देते रहे? पोस्ट ऑपरेटिव में हमने इसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दिया है, उसमें था एंटीबायोटिक दिया है, उसमें था एक्सिनल और साथ में था क्लेविट इंजेक्शन जिसमें अमोक्सिसिलिन है, और साथ में हम इसको फ्लैजल जो है वो IV करते रहे हैं और एनरो जो है वो इंजेक्शन जो है वो लगाते रहे हैं, और साथ में इसकी हमने कैल्शियम जो है ना वो सब कट की है इसको, और इसके अलावा जो है वो स्पोर्टम में इसको डेली कभी MEY काम लगा देते थे, कभी अपना उनका है वाइटोबियान के नाम से आता है वो इंजेक्शन लगा देते थे, कभी विटामिन AD3 लगा दिया। फ्लूइड थेरेपी में बेसिस पे देते थे आप? फ्लूइड जो है वो हमने सिर्फ 3 दिन ही इसको दिया है, वो 4 लीटर जो है ना वो जो डेक्सट्रोज है ना वो इसको दिया है 3 दिन बस, उसके बाद खाना पीना इसने नॉर्मल कर दिया था। तो उसके बाद इसका मुकम्मल इनटेक जो उसकी डेवलप हुई है, बहाल हुई है, वो ऑपरेशन के कितने दिन के बाद आपने देखा कि अब ये मुकम्मल इसका खाना पीना ठीक हो गया? 3rd day पे इसने तकरीबन कह लें कि इतना खाना शुरू कर दिया था कि हमें ना तसल्ली हो गई थी कि अब ठीक है। 4th और 5th day पे जो था ना वो इसने कंप्लीट तकरीबन खाना शुरू कर दिया था। और ये बताएं कि जो इसका डायरिया था, डायरिया भी जो है ना वो पहले तो वाटरी डायरिया था, बिल्कुल ही वाटर आता था, उसमें फीसिस नाम की कोई शय नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो 4 से 5 दिन में इसने अपना डायरिया जो था ना वो रिकवर कर लिया था, ठीक हो गया जी। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा जी इस जानवर को निकाल के बाहर दिखाते हैं आपको, ये जब चलता हुआ जाएगा आप इसकी जो है वो देखिएगा बॉडी लैंग्वेज, इसकी आंखें दिखा दें कि अब माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे एक हशाश बशाश ये जानवर है जी, मुकम्मल ये एक्टिव है माशाल्लाह। पुत्र इन कर दे बात, मुकम्मल ये एक्टिव अभी आपके सामने निकल के बाहर जाएगा। इसकी मिल्किंग में अभी कोई 4.5 घंटे का टाइम बाकी है, इंशाल्लाह शाम को जो है जब ये मिल्किंग पर जाएगी तो आप लोगों को इसकी मिल्किंग भी जो है वो दिखाएंगे। ये अभी जानवर माशाल्लाह इधर से अगर आपसे पीछे से अगर आप दिखा दें पूरा एनिमल जो है, तो ये आप देखें कि इसकी ओवरऑल फिजीक आप देखें, जो BCS है माशाल्लाह वो बेहतर हो गया है जानवर का, ये आप देख सकते हैं ये चल के जा रहा है, और ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्टिव एनिमल की शक्ल अख्तियार कर चुका, बड़ी एक्टिव हो चुकी है। अब शाम को जी इसकी मिल्किंग जब स्टार्ट होगी तब इंशाल्लाह इसको हम आपको दोबारा दिखाएँगे जी। मिल्किंग का टाइम हुआ चाहता है जी, अब आप इस एनिमल को देख सकते हैं माशाल्लाह अडर में जो है वो ठीक ठाक दूध लिए फिर रही है, और इसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखिए माशाल्लाह चलनी फिरनी गोबर की कंसिस्टेंसी जो है ज़बरदस्त है जी। अभी इसको इंशाल्लाह हम मिल्क करने जा रहे हैं और देखते हैं कि अभी इस वक्त कितना दूध देती है। फ़िलहाल इसकी हम मिल्किंग जो है वो देखने 2 दफ़ा कर रहे हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इसको 3 टाइम पे कन्वर्ट कर देंगे वंस इसका दूध जो है मज़ीद बेहतर होता है। अभी तो इसको 2 टाइम मिल्किंग पे लेके आ रहे हैं, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसके साथ में खड़े जानवर जो हैं
वो भी तकरीबन इतना ही आर्डर लेकर जो है वो साथ खड़े हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो तीन टाइम मिल्किंग पे आ रहे हैं और ये दो दफ़ा आ रही है। तो 12-12 घंटे पे इसकी मिल्किंग जो है वो की जा रही है और लेट्स सी कि कितना दूध जो है हमें इस मिल्किंग में मिलता है। हमारे अंदाजे से 24-25 किलो दूध होगा तकरीबन। तो ये जनाबे अली मिल्किंग के एंड पे ये तकरीबन 13-13.5 लीटर दूध है जी हो गया जी। माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात का बहुत फजल है कि अल्लाह की ज़ात ने हमारे पर आसानी वाला मामला फरमाया। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।